नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। सुपर बग ये एक शब्द देश के माथे पर बदनामी का दाग बन सकता है और इस मुहिम में लगे हैं ब्रिटेन के वैज्ञानिक। इनका दावा है कि एक बैक्टीरिया भारत से आया है। क्या है ये बैक्टीरिया और क्या हैं इन वैज्ञानिकों के आरोप, इस पर है हमारी खास पेशकश सुपर बग का षड्यंत्र। और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर सुपर बग होता क्या है। दरअसल ये एक किस्म का ढीठ बैक्टीरिया है जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, असर नहीं होता। इसलिए जिन इलाकों में सुपर बग फैल जाता है वहां से इन्हें हटाने में काफी समय लग जाता है, यानी जब तक इसका कोई इलाज मिलता है तब तक देर हो चुकी होती है। और एक और निगाह डालते हैं कि भारत में जो मेडिकल टूरिज्म है वो इससे किस प्रकार प्रभावित हो सकता है और मेडिकल टूरिज्म की अभी क्या स्थिति है। सुपरबग नाम के बैक्टीरिया का नाम भारत से जोड़े जाने के कारण इसका असर अब भारतीय मेडिकल टूरिज्म पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारतीय टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि ये महज एक शिगुफा है जो भारतीय मेडिकल टूरिज्म को धक्का पहुंचाने के लिए छोड़ा गया। ये है स्पेन की क्रिस्टीना, जो तीसरी बार भारत आई है। 2 साल पहले जब क्रिस्टीना भारत आई थी तो इन्होंने मुंबई और केरल में जाकर अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराया था। 2 साल बाद ये फिर भारत आना चाहती है। ऐसा करने वाली सिर्फ क्रिस्टीना ही नहीं है बल्कि भारत आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यहीं के अस्पतालों और अन्य थेरेपी को ही पसंद करते हैं। कम से कम मेडिकल टूरिज्म के आंकड़े तो यही कहते हैं। 2008 में जहां 2 लाख मेडिकल टूरिस्ट भारत आए थे, वहीं इनकी संख्या 2009 में 2.5 लाख से ज्यादा रही। चालू साल में उम्मीद है कि आंकड़ा 3.5 लाख को पार कर जाएगा। जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अस्पतालों की ख्याति लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर विदेशों के कई बड़े अस्पताल मरीजों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि विदेशी भारत में इलाज के लिए डेरा जमाए बैठे हैं। ऐसे में सुपर बग सिर्फ भारतीय मेडिकल टूरिज्म को बदनाम करने की कोशिश है। प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक तुरला छोड़ा है, पर वी हैव 1.2 बिलियन पीपल हियर। कोई ये थोड़ी ना है कि और लाखों लोग ट्रीटमेंट करके वापस गए हैं और हजारों लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन हैं, तो एक आध आइसोलेटेड इंसिडेंट को टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक साजिश है। जानकारों की माने तो भारत में अमेरिका, यूरोप के अलावा अरब देशों से भी इलाज के लिए टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। बेहतर इलाज के अलावा कम खर्चा भी इन विदेशियों को यहाँ खींच रहा है। जहाँ अमेरिका और यूरोप में ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा $50,000 है, वहीं भारत में ये महज $5,000 से $8,000 में हो जाती है। कॉस्ट जो बड़ा हुआ है। दूसरा बात, पोस्ट सर्जरी केयर, बाकी अमेरिका बिगाड़ में आपका सर्जरी हो गया गुड नाइट बोल देगा, पैसा तो चले जाओ। जो पोस्ट सर्जरी केयर जो है इंडिया में बहुत अच्छा है। कई बार पहले भी कई विदेशी विशेषज्ञों ने भारत में इलाज को लेकर संदेह जाहिर किए थे, लेकिन किसी एक बैक्टीरिया का नाम पहली बार भारत से जोड़ा जा रहा है। सुपर बग के नाम से भारत के मेडिकल टूरिज्म में बढ़ते रुतबे को कम करने की कोशिश बेशक की जा रही हो, लेकिन भारतीय डॉक्टरों की काबिलियत और इलाज की किफायत इस सुपर बग का ट्रीटमेंट करने के लिए काफी है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ दीपक उपाध्याय, जी बिजनेस, दिल्ली।